हाय नमस्ते, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और कल है नाग पंचमी और आज ऐसा डे जिस पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि आज बनने वाली है गुजिया, जो कि यहाँ पे ड्राई फ्रूट तैयार कर रही हैं, क्योंकि उसके बाद का सारा प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। बने रहिए ब्लॉग में, आज शुरू करेंगे गुजिया बनाना और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हम गुजिया कैसे बना रहे हैं। और बाहर का मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काले काले बादल आ गए थे और हमारी तैयारियां भी शुरू हो गई थी। पर जब बाहर का मौसम ऐसा देखा तो फिर रहा नहीं गया, थोड़ी सी ठंडाई हवा लेने के लिए छत पे चले गए थे और बहुत अच्छी मूवी भी आ रही थी तो उसे भी साथ में इंजॉय कर रहे थे और साथ में गुजिया भी बन रही थी, क्योंकि गुजिया बना बना के सब बोर हो रहे थे। तो इसलिए हमने कहा भाई मनोरंजन के लिए कुछ तो होना ही चाहिए। और जैसे ही छत से नीचे होके आए उसके बाद में बारिश इतनी तेज़ हो गई, तो देखिए इतना रोमांटिक गाना भी आ रहा है इतना अच्छा, और गुजिया भी बन रही है, साथ में कल नागपंचमी भी है और महादेव ने आज से ही इतनी बारिश शुरू कर दी है, इतनी बारिश हो रही है। और हालांकि कुछ टाइम पहले बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी पर मौसम सुहाना हो गया, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। और गुजिया की जो रेसिपी है वो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में डाली है, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा जा रहा था इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया है। और गुजिया दो ही मौक़ों पे बनती है, वैसे तो कभी भी बना सकते हैं, पर अगर किसी त्यौहार पे बनती है तो उसको बनाने का मज़ा भी अलग हो जाता है और खाने में और भी अच्छी लगती है। तो साल में दो बार गुजिया बनती है, ये हमारे यहाँ का ऐसे ही है, तो यूपी साइड में तो बनती ही है, ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनती है, बाकी किसके किसके यहाँ बनती है कमेंट कीजिएगा। तो होली और नागपंचमी में बनती ही है। और रात में मेहंदी का प्रोग्राम भी शुरू हो गया था, क्योंकि भाई सावन है और मेहंदी नहीं लगाई तो फिर सावन अधूरा रह जाता है। नेक्स्ट डे का व्लॉग है गाइस ये, और ये सुबह की पूजा का वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मम्मी की पूजा की थाली हमने तैयार कर दी है और हर साल हम ही तैयार करके देते हैं मम्मी को पूजा की थाली, इसे मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए। थाली तैयार कर दी है और मम्मी जाने वाली है पूजा के लिए, और अभी हम बैठे हैं किचन में। आज तो आधा दिन खाना बनाने में ही चला जाएगा और अभी सिर्फ चाय बनाई है, चाय बना के पापा को दे दी है। हम लोगों ने मुँह में पानी भी नहीं डाला, अभी कच्चा चलता है तो वो कच्चा बना के दे दिया है, और उसके बाद फिर दिखाएंगे कि आज क्या क्या बनने वाला है। कि नागपंचमी पे बहुत सारे पकवान बनते हैं पर पूरा वीडियो मैं हमेशा की तरह नहीं शेयर कर पाई, पर फाइनली जो थाली हमने बना के तैयार की थी वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे कल जो हमने गुजिया बनाई थी ये मावे वाली गुजिया है, ये गुलगुला है, और ये रे गुड़ की गुजिया, और ये प्याज वाले पकौड़े बनाए थे, दाल की कचौरी बनाई थी, चावल बनाया था, छोले बनाए थे, पूड़ी बनाई थी। धूप नहीं है, मैं भी क्या बोल रही हूँ, बारिश हो रही है, ये देखिए बारिश हो रही है और हम बारिश में आए हैं थोड़ा सा मौसम का आनंद लेने के लिए। ही बज चुके हैं और अब भी हम किचन से बाहर निकले, और मेले की इतनी खुशी थी मुझे कि मेला जाना है, पर देखते हैं महादेव क्या चाहते हैं। और ये देखिए कितनी बारिश हो रही है, दिखाते हैं एक मिनट, देख रहे हैं इतनी बारिश ये देखिए, और देखते हैं कि मेला जा पाते हैं कि नहीं। वैसे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि रह रहा है कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हालांकि अभी थोड़ी हल्की हुई थी इसलिए हम आए, फिर अब बहुत तेज़ होने वाली है तो मुझे लगता है अब नीचे जाना चाहिए। मौसम अच्छा है, ठंडा है, इसकी खुशी है नागपंचमी में काफ़ी टाइम के बाद बारिश हुई है। पिछली बार की बारिश याद है, हम लोग मेले से लौट रहे थे और बारिश शुरू हो गई थी, मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी, और आज तो अभी से शुरू हो चुकी है तो देखते हैं कि क्या होता है।